वेलकम बैक टू माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो जो आपसे शेयर करने वाली हूँ ब्लैकहेड्स को ख़त्म करने के लिए है और स्किन को ब्राइटनिंग देने के लिए है। तो आप अपने फेस का कलर फेयर कर सकते हैं, नेक का कलर फेयर कर सकते हैं बिल्कुल इस टिप के साथ। बहुत ही सिंपल सी टिप है। इस टिप को तैयार करने के लिए आपने एप्पल विनीगर साइडर लेना है 1 चम्मच और इसमें आपने आधा चाय का चम्मच लेमन जूस ऐड करना है और इसके साथ साथ आपने इसमें आधा चाय का चम्मच इसमें शहद को ऐड कर लेंगे। अच्छा सा इनको मिक्स कर लेंगे इन तीनों अज्जा को और उसके बाद आपने हाथों की उंगलियों की मदद से फेस पर अप्लाई करना है, नेक पर अप्लाई करना है, हल्का हल्का साथ साथ मसाज करते रहना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक आपने मसाज करते रहना है और उसके बाद आपने 2-3 मिनट के लिए लगा रहने देने के बाद फ़ौरन ही आपने इसको वाश कर लेना है नीम गर्म अच्छे ताज़ा पानी के साथ। तो आपने हफ्ते में 2 दिन लाजमी इस टिप को ट्राई करना है। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपके नाक पर मौजूद, गालों पर मौजूद, अगर आपके मसाम खुले हैं उनके अंदर मैल छुपी हुई है तो ये डेड स्किन सेल्स को भी रिमूव करता है और आपकी स्किन को नेचुरल ग्लो भी देता है। अगर आपकी स्किन पर एक्नी है तो इसमें एप्पल विनीगर साइडर ऐड किया गया है जो आपकी एक्नी को भी ड्राई कर देगा, ऑयल को भी ड्राई कर देगा और खुले मसाम जो हैं अगर झुर्रियाँ हैं छाई वो भी आपकी ख़त्म हो जाएंगी, स्किन को एक नेचुरल ग्लो मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। हर उम्र की लड़कियाँ ख़वातीन इसका इस्तेमाल कर सकती हैं अपनी स्किन को नेचुरल ग्लो देने के लिए। डेली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप डेली इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं, ख़वातीन बहुत ही ज़्यादा सुस्त होती हैं मेरे जैसी यानी कि हाउस वाइफ्स, तो अपनी स्किन को ब्राइटनिंग देने के लिए आप इस टिप को लाजमी ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपकी स्किन पर ग्लो भी आ जाएगा, आपकी स्किन पर से डेली का मैल जो है, डस्ट जो है वो भी साफ़ होना शुरू हो जाएगा और अगर आपकी स्किन पर एक्नी है तो एक्नी भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह ताला।